बड़ा के हमें एक डॉक्टर बनना है, जैसे हमारी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं, तो किसी की माँ बीमार ना रहे और सब की मम्मी ठीक रहे। जो दिल्ली में भीख मांगने वाले बच्चों ने 2 रुपए 4 रुपए ऐसे इस तरीके के पैसे ना देकर हम उन्हें ऐसी चीज़ दें जो उनके साथ रह जाए, तो हम लोग शिक्षित हैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो हम इन्हें दे सकते हैं वो है कि इन शिक्षा, तो इसलिए हम इन बच्चों को पढ़ाने का हमने फैसला किया। सबसे पहले हमने जब शुरुआत की थी इसकी तो हम ये सोच के नहीं गए थे कि हमें कोई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है। अब पढ़ाना क्या, हमें तो बोले उनसे हम दोस्ती करने गए थे, और दोस्ती करते करते हुआ क्या कि वो हम लोग की उनकी प्रॉब्लम्स को और जान पाए। किसी ने कोई रात को खा के नहीं सोया होता, किसी की जेब में पैसे नहीं होते, कोई नशा कर रहा होता है, वेरियस काइंड ऑफ उनके साथ जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग देख पा रहे थे, इनफैक्ट समझ पा रहे थे, क्योंकि अब उनके लिए करना क्या एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगा कि एजुकेशन से पहले इन्हें और भी बहुत चीज़ें देनी है, और वो चीज़ ये हो सकती है कि हम पहले इनका गुड हैबिट्स इनके अंदर डेवलप करें, पहले एक सॉफ्ट स्किल्स इनके अंदर डेवलप करें, ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करने में इनको मदद मिले। जब मेरी पढ़ाई छूटी तो मेरी 5th क्लास में पास हो गया था मैं, फिर हम यहाँ पे खेलने लगे, फिर जब कुंदन सर आए हमसे बातें की, खिलाने लगे, पढ़ाने लगे, तो फिर हमें लगने लगा कि वो हमारे दोस्त की तरह है, तो फिर हमारा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में मन लगने लगा, हमें फिर से एडमिशन करवाया 6th क्लास में। फिर 3-4 साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते, हम 8th क्लास के पेपर दे रहे हैं। बड़ा होकर हमें एक डॉक्टर बनना है, जैसे हमारी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं, तो किसी की माँ बीमार ना रहे और सब की मम्मी ठीक रहे, और कोई किसी की माँ बीमारी के जैसे मरे ना, सब ठीक हो जाए, इसीलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो हम लोग की ज़िंदगी है उसमें सबसे पहले हम लर्न किए हैं, जब लर्न करने के बाद जब हमारा समय बचता था तो हमारे घर वालों शाम के 5 बजते थे तो हमें खेलने की इजाज़त देते थे, तो लर्न करते थे फिर प्ले करते थे, और जो लर्न और प्ले का एक पूरा साइकिल, जब हमारा एजुकेशन जब पूरा फिनिश हुआ तब अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पर आई। लेकिन आप ठीक समझ सकते हैं इन बच्चों की साइकिल पूरी रिवर्स है, जो अर्निंग पार्ट जो होता है हमारा सबसे लास्ट में जो आता है वो इनके कंधों पे सबसे पहले आता है, लेकिन जब हम उनके लाइफ में जाते हैं तो वो अर्न तो कर ही रहे होते हैं, प्ले तो करते ही हैं, लेकिन जो लर्निंग का जो फैक्टर है उनकी लाइफ में ऐड करते हैं हम, और ये टोटल साइकिल जो रिवर्स हो चुका है, जो बच्चे को पहले लर्न करना चाहिए, बाद में प्ले करना चाहिए, उसके बाद अर्न करना चाहिए, इस साइकिल को उसके अंदर सिस्टमैटिक हम बैठाने की कोशिश करते हैं। बच्चों मेरे साथ फिर से बोलो, ये काम जो सबसे बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है इस प्रोजेक्ट के, उनके बच्चों के माँ बाप, बच्चे के माँ बाप को भी कभी कभी समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग अक्सर अपने बच्चों को अपनी इनकम में ऐड ऑन करने के नज़र से देखते हैं अपने बच्चों को, तो ये एक सपना उनके अंदर बैठाना होता है उनके माँ बाप में, कि अपने बच्चे को सिर्फ अपनी इनकम में ऐड करने वाला ना देखें, बल्कि ये बच्चा का पढ़ लिख लिया बहुत आगे जा सकता है, आपको पूरे अपने में भविष्य सुरक्षित कर सकता है, और आपकी बुढ़ापे का सहारा भी बन सकता है। आज आप अगर जो देखते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे, करीब 300 बच्चे रहते हैं यहाँ पे, 300 बच्चों में से करीब 200 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। जब हम यहाँ आए थे तो पहले कुछ बच्चे स्कूल जाते थे, अब ऐसी स्थिति आ गई, अब कुछ बच्चे नहीं जाते, तो कुछ बच्चे जाते थे, अब कुछ बच्चे नहीं जाते तक पहुँचने में हमने पिछले 4 साल लगाए हैं, उनको वो मौका दिया कि पढ़ाई सिर्फ ABCD नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द लाइफ, तो ये चीज़ उनके अंदर बिठाई गई है कि स्कूल सिर्फ ABCD पढ़ने नहीं जाते, हमने लाइफ को ठीक करने जाते हैं, वहाँ पर लाइफ को रेडी करने जाते हैं,